हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो HTML के वेब पेजेस होते हैं, हम उनके अंदर हमारे जो यूट्यूब की वीडियोस होती हैं उन्हें कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक हमारा HTML का एक एलिमेंट होता है मार्की, वो कैसे यूज़ करते हैं। मार्की बेसिकली न्यूज़ वेबसाइट्स के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, उसमें हम अपनी कोई नीचे कोई न्यूज़ चला के दिखा सकते हैं, लाइक अ नोटिफिकेशन। तो मैं आपको दोनों चीज़ें करके बताऊँगा। तो सबसे पहले हम अपना नोटपैड ओपन कर लेते हैं। मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये HTML के एलिमेंट्स को बाय डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कर देता है और इससे थोड़ा कोड करना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना HTML का जो मेरा कोड है, बेसिक स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ। ठीक है, HTML मैंने टैग लिख दिया। इसके बाद हम अपना एक हेड टैग लिख देते हैं। हेड के अंदर मैं अपना जो टाइटल टैग होता है, मैं वो टाइटल टैग लिख देता हूँ। टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू एम्बेड यूट्यूब वीडियोज इन HTML वेब पेजेस। ठीक है, ये मैं सेव कर देता हूँ। ये मैं से डेस्कटॉप पे मेरा एक YouTube वीडियो का फोल्डर है, मैं उसके अंदर से home.html करके सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो गया। तो डेस्कटॉप लोकेशन पे जाते हैं, मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ। तो अभी हमारा सिर्फ यहाँ पे ब्लैंक नोटपैड आ गया क्योंकि हमने इसमें कुछ लिखा नहीं था। मैं इसे कॉपी करता हूँ इस वाले कंटेंट को, और यहाँ पे मैं अपना बॉडी टैग लिख देता हूँ। ठीक है, बॉडी के अंदर मैं एक H1 टैग ले लेता हूँ, और इसको पेस्ट करने के बाद मैं H1 को क्लोज कर देता हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया। वापस ब्राउज़र पे जाते हैं, रीलोड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एक स्ट्रक्चर जो हमने लिखा था HTML में, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद यहाँ पे अपना कोई एक यूट्यूब का वीडियो इंक्लूड करेंगे। वो कैसे करते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारे यूट्यूब के ऊपर जाना होगा, youtube.com। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना चैनल ओपन कर लेता हूँ, youtube.com/manojdeshwal ये मेरा चैनल है। ठीक है, आप यहाँ पे जाके HTML की मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, और HTML के साथ साथ मैंने और भी टॉपिक्स पे आप बहुत यूज़फुल वीडियोस हैं, आप इनको जाके गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ HTML की। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताया है, तो आप इन वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं और अपनी HTML की जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी जैसे ये मेरा लेटेस्ट वीडियो है कि HTML में लिंक्स कैसे यूज़ करते हैं, मैं इसे ओपन करता हूँ। और ओपन करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ये एक लिंक दिख रहा होगा, ये शेयर का लिंक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शेयरिंग के बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, लाइक एम्बेड, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगर, रेडिट, टम्बलर। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पे एम्बेड पे क्लिक करना होगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको आई फ्रेम का एक कोड दिख रहा है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको पूरे को कॉपी कर लेंगे। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। वापस अपने नोटपैड के ऊपर आएंगे और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसे सेव करना होगा। सेव करने के बाद वापस ब्राउज़र में आएंगे हम, और मैं इसे रीलोड करूँगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा HTML का जो वीडियो है वो यहाँ पे हमारे वेब पेज में आ गया। आपने देखा कितना सिंपल है। मैं वापस यहाँ पे YouTube पे जाता हूँ, तो ये हमारा YouTube का प्लेयर है और ये हमारा वेब पेज में YouTube जो हमने एम्बेड करा है वो वाला प्लेयर है। ठीक है, मैं YouTube को बंद कर देता हूँ अभी। तो आपने देखा कितना सिंपल है अपने YouTube की वीडियोस को यहाँ पे लगाना। तो ये हमारा हो गया कि कैसे हम अपने YouTube के वीडियो को वेब पेज में इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक हमारा HTML का मार्की एलिमेंट होता है, वो कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेबल ले लेता हूँ। आई होप आपको टेबल याद होगा, मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि कैसे टेबल यूज़ करते हैं। टेबल के अंदर हम अपना एक TR टैग ले लेते हैं, TR मीन्स टेबल रो। और टेबल के अंदर मैं यहाँ पे एक TD ले लेता हूँ, TB मतलब डेटा सेल, और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो मेरा आई फ्रेम था, मैं इसे यहाँ से कट करके मैं अभी इस पहले TD में डाल देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद एक मैं दूसरा TD लेता हूँ, इसके अंदर मैं अपना मार्की टैग लिखूंगा। ठीक है,
MARQUEE, ठीक है, ये मेरा मार्केट टैग हो गया, इसको मैंने मार्केट टैग से बंद भी कर दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज ए एग्जाम्पल इन HTML, ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। मैं इस काम करता हूँ, ये जो हमारा टेबल है इसको कोई बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल ऑरेंज दे दिया, सेव करते हैं और डॉक्यूमेंट को अपना रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टेबल के अंदर एक रो हो गई, रो के अंदर दो कॉलम्स थे, पहले में हमने हमारा HTML का वीडियो डाल दिया और दूसरे में सिंपल मार्क के लिख दिया, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, मैं ये जो इसकी विड्थ भी सेट कर देते हैं, विड्थ मैं इसको कर देता हूँ 1000 पिक्सल, जो हमारा टेबल है थोड़ा सा इंक्रीज होके दिखेगा तो ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा जो मार्की है ये ऑटोमेटिकली हमारा राइट टू लेफ्ट अलाइन हो गया और ये हमारी एज ए जैसे नोटिफिकेशन होती है या न्यूज़ की वेबसाइट्स में आपने ब्रेकिंग न्यूज़ देखी होगी चैनल के नीचे चलते हुए, तो ये उस टाइप का हमारा टैग होता है। अब आप चाहते हैं कि ये लेफ़्ट टू राइट ना जाके ये राइट टू लेफ्ट चलने लगे, वो कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर एक हमारी डायरेक्शन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर राइट कर दूँगा तो अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये हमारा लेफ़्ट टू राइट जाने लग गया, पहले राइट टू लेफ्ट था अब ये लेफ़्ट टू राइट जाना लग गया है। सेम इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, मैं इसे अगर अप कर दूंगा, अप करने के बाद ये क्या होगा, ये बॉटम टू अप जाना स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है, ये बहुत सिंपल है। सेम अब मैं यहाँ पे डाउन लिख दूंगा तो ये हमारा डाउन आना शुरू हो गया, ठीक है। आपने देखा कितना सिंपल है इसे यूज़ करना। अब मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं ये जो मार्क है ना मैं इसे यहाँ से निकाल के मैं इसे H1 के यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, और दो लाइन का ब्रेक डाल देते हैं, मैं यहाँ पे आपको चारों डायरेक्शन चला के दिखा देता हूँ, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, ठीक है। दिस इज अ लेफ्ट मार्क एग्जाम्पल, दिस इज अ राइट मार्क एग्जाम्पल, दिस इज अप मार्क एग्जाम्पल और फाइनली जो हमारा फोर्थ डायरेक्शन है डाउन, उसे सेव करते हैं, डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देख रहे हैं एक हमारा ये राइट वाला, ये हमारा लेफ्ट वाला, ये हमारा अप, ये हमारा डाउन। तो आप देख रहे हैं मैंने आपको चारों के चारों डायरेक्शन बता दिए कैसे मार्क यूज़ करते हैं। तो मैं आपको दोबारा एक बार समराइज कर देता हूँ, वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम अपने HTML के वेब पेज के अंदर जो हमारी YouTube की वीडियोस होती हैं उनको कैसे एम्बेड कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसके लिए हम अपने YouTube के वीडियो पर जाएंगे, ठीक है, वीडियो को हम अपना प्ले करेंगे, जैसे ये वीडियो था हमारा, इसको प्ले करने के बाद आपको शेयर के लिंक पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको शेयरिंग के जितने भी ऑप्शन हैं सारे दिखा देगा और इसके बाद आपको एम्बेड पे क्लिक करना है और यहाँ से आई फ्रेम का कोड कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने आप HTML डॉक्यूमेंट पे आएंगे और जहाँ भी आपको ये डिस्प्ले करना है आप उस कोड को वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फाइनली सेव करने के बाद आप जब अपने डॉक्यूमेंट को रीलोड करेंगे तो आपको आपका वीडियो आपके वेब पेज में इंक्लूड होके दिख जाएगा, ठीक है। और मार्क की तो मैंने आपको सारा का सारा बता ही दिया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।